हिमाचल के कांगड़ा जिला की प्रसिद्ध पोंग झील में किश्ती के डूबने से उसमें सवार दो बच्चों सहित 8 लोगों में एक युवती लापता हो गई है, जबकि 7 अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसा पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पड़ते सिहाल से सामने आया है। बताया जा रहा है कि बड़ी बतराहन की 5 महिलाएं, एक युवती, 2 बच्चों को लेकर सिहाल में बेड़ी पूजन के लिए आई थी। बेड़ी पूजन करने के बाद उन्होंने किश्ती से पोंग झील का नजारा देखने की इच्छा जताई। सभी किश्ती में सवार होकर झील का नजारा देखने लगे। करीबन 100 मीटर दूर जाते ही किश्ती में पानी भरने के कारण किश्ती डूबनी शुरू हो गई। किश्ती चालक ने एहसास होते ही किश्ती को किनारे पर लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही किश्ती पानी में डूब गई, जिसके कारण सभी पानी में डूब गए। किश्ती चालक ने 2 बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर बाहर सुरक्षित निकाला, जबकि अन्य महिलाओं को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। 2 महिलाओं की गोता लगने से स्थिति नाजुक हो गई है, जिनको अस्पताल में भेजा गया है, जबकि एक युवती लापता हो गई है। युवती की पहचान साक्षी पुत्र गगन सिंह निवासी बड़ी के रूप में हुई। सूचना मिलते ही विधायक भवानी पठानिया फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। विधायक भवानी पठानिया ने घटनास्थल पर पहुंचते ही NDRF को मौके पर बुलाने के निर्देश दिए। SP नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा कार्रवाई में जुट गई है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के Facebook पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।